उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब अंतिम और फाइनल चरण की बारी है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में आजमगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अमृत त्रिपाठी रहे, जिसमें मेहंदी कार्यक्रम, युवा तैराक समेत कलेक्ट्रेट से महिलाओं की एक रैली भी निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। हाँ, आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसका क्या उद्देश्य है और किस पर आधारित यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज जनपद आजमगढ़ में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें हमारी महिलाएं, शिक्षिकाएं, महिला हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हमारे सारे शिक्षिकाएं आके मेहंदी के माध्यम से एक दूसरे को मतदान आयोग, निर्वाचन आयोग का लोगो बनाते हुए हाथों पे और मेहंदी लगाते हुए और उसके माध्यम से जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो 7 तारीख को जनपद आजमगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में अधिक से अधिक लोग जाके अपने मतदान मताधिकार का प्रयोग करें और मत सरकार को पारदर्शी और अधिक जनोपयोगी बनाने के अपने उद्देश्य को सफल। सर, क्या लगता है आपको कि जैसे पिछली बार मतदान हुआ था उसमें प्रतिशत बहुत ही कम रहा, तो इस साल क्या लगता है कि आपको ऐसे अवेयरनेस कराने से हमारे मतदान पे क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जिन उन बूथों को चिन्हित किया है, जिन बूथों पर हमारे विधानसभा वार जिनमें पिछले विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत सबसे निम्न था, तो उन पे हम लोगों ने घर घर जाके मतदाताओं को जागरूक करने का अपने विभाग के माध्यम से हम लोगों ने काम किया है। इसमें वो महिला वोटर्स हो चाहे अन्य कोई भी वोटर, जैसे महिला दिव्यांग मतदाता है, उनको हमने जागरूक किया और ये किया है कि भाई 7 तारीख को आप घर से निकलिए और मतदान में अपना योगदान करिए, सशक्त राष्ट्र बनाने का। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।